हेलो एवरीवन मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ब्रांड नेम तो नेक्स्ट आप देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग इसके फीचर्स क्या प्रोसेस होती है जिससे कि हम ब्रांड नेम को सिलेक्ट कर सकते हो क्या क्राइटेरिया होता है जिससे कि ब्रांड नेम को सिलेक्ट किया जाता है इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप ब्रांड मैनेजमेंट की प्ले देख सकते हैं जिसके अंदर आप ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है आप से देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं तो फर्स्ट आता है ब्रांड नेम क्या होता है हम इसको देखते हैं तो ब्रांड नेम एक ब्रांड का एलिमेंट होता है जो कि हेल्प करता है कि कस्टमर किसी भी ब्रांड को कैसे जानेंगे कैसे उसको दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंड करेंगे वो केयरफुली कैसे उसको चूज करते हैं क्या थीम होगी प्रोडक्ट की और कैसे वो इकोनॉमिक मैनर में उसको चूज कर सकते हैं तो इजीली आप नोटिस करते हैं कि कैसे आप किसी भी ब्रांड के नेम को स्टोर कर सकते हैं याद रख सकते हैं ध्यान रख सकते हैं वो सब आपके ब्रांड के नेम से होता है तो ब्रांड नेम जब भी कोई भी कंपनी ब्रांड का नाम रखती है तो उसमें उसको बहुत सारी रिसर्च करनी होती है कि प्रोडक्ट किस चीज़ का है क्या नाम रखा जा सकता है तो बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे वो डिसाइड करती है कि ब्रांड का क्या नाम होना चाहिए लाइक आप देखते हैं लाइक एयर इंडिया ब्रिटिश एयरवेज एनिमल ओवर्ड्स में लाइक डव शॉप्स पुमा पेपल्स में लुइस फिलिप्स आल सोली जनरल इलेक्ट्रिक्स में एल जी तो अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने डिफरेंट ब्रांड नेम को रखा हुआ है तो आप देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं अच्छे ब्रांड नेम के तो जो भी अच्छा ब्रांड नेम है वो यूनिक होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए मतलब आपको पता चले कि और किसी से वो मैच ना हो और अपने को वो डिफरेंट बताए फॉर एग्जाम्पल लाइक डेल एच पी कोको कोला तो आपको ये यूनिक भी लगते हैं और डिफरेंट भी लगते हैं नेक्स्ट आता है इट शुड बी एक्सटेंडेबल कि हम उसको इन फ्यूचर कुछ एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ब्रांड नेम ऐसे लिमिटेड नहीं होना चाहिए उसको हम बढ़ा सकें नेक्स्ट आता है ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जिसको कि ईजिली प्रनाउंस किया जा सके आइडेंटिफाई किया जा सके और मेमोराइज किया जा सके मतलब आप उसको ईजिली बोल सकते हैं पहचान सकते हैं और याद रख सकते हैं लाइक टाइड लाइक डव तो आपको याद रहता है नेक्स्ट आता है इट शुड बी आइडियल कि कोई भी प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है क्या बेनिफिट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए लाइक शिफ्ट क्विक फिक्स लिप गार्ड तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट अपने जो भी उसके प्रोडक्ट वो दे रहे हैं क्वालिटी दे रहे हैं बेनिफिट दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इनका नेम है नेक्स्ट आता है इट शुड बी इजीली कन्वर्टेबल इन टू फॉरन लैंग्वेज जो भी आप ब्रांड का नेम रख रहे हैं अगर आपको लग रहा है इन फ्यूचर आपको ब्रांड को ग्लोबली ले जाना है तो आप उसको इजीली ट्रांसलेट कर सकें नेक्स्ट आता है इट शुड बी कैपेबल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन जो भी आपका ब्रांड नेम है आप उसको लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं नेक्स्ट आता, है, है है। आता है ये आपको सजेस्ट करता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्या डिफरेंट कैटेगरी से नेक्स्ट आता है ये आपको कॉन्सेंट्रेट करवाता है कि आप क्या क्वालिटीज देने वाले हैं उसके अंदर लाइक like फायरवर्ड्स नेक्स्ट आता है कि यह सिर्फ पोर्टेड नहीं करता है बेड और रॉन्ग मीनिंग को आपकी कैटेगरी आपका जो भी ब्रांड नेम है वो खराब नहीं होना चाहिए या फिर उसको गलत मीनिंग कन्वे नहीं करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल नोवा तो नोवा जो कार का नेम है स्पेनिश कंट्री में उसका मतलब होता है डोंट गो तो वो क्या हुआ उन्होंने ब्रांड के नेम को जब रखा वो ध्यान नहीं रखा तो तो जो स्पेनिश कंट्री में उस, वो उस पर्टिकुलर ब्रांड के नेम से प्रोडक्ट्स को नहीं सेल कर सकते नेक्स्ट आता है कि क्या प्रोसेस होती है जब भी हम ब्रांड नेम को सिलेक्ट करते हैं या फिर रीऑन करते हैं उसके लिए तो फर्स्ट है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दी ब्रांड इन टर्म्स ऑफ सिक्स क्राइटेरिया जो भी आपकी ब्रांड है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है उसको हम सिक्स क्राइटेरिया में देखते हैं डिस्क्रिप्टिव सजेस्टिव कंपाउंड क्लासिक आर्बिट्री और फैंसीफुल की ये असेंशियल क्राइटेरिया जो भी ब्रांड है उसका हम देखें कॉर्पोरेट ब्रांडिंग की क्या स्ट्रेटजीज होंगी उनके क्या रिलेशनशिप होंगे क्या अदर ब्रांड से प्रोडक्ट है तो ये असेंशियल है कि कैसे हम ब्रांड के रोल को समझ सकते हैं मार्केटिंग के प्रोग्राम को डिटेल में जान सकते हैं मार्केट की निश को देख सकते हैं तो जो भी आपकी ब्रांडिंग का ऑब्जेक्टिव है पहले हम उनको छह क्राइटेरियाज पे देखते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग हम ब्रांड का नेम रख सके नेक्स्ट आता है जनरेशन ऑफ मल्टीपल नेम आप डिफरेंट सोर्सेस से लाइक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इम्प्लॉय जो भी करेंट या पोटेंशियल कस्टमर्स है एजेंसीज है या प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स है उनसे सजेशंस लेते हैं कि क्या क्या नेम हो सकते हैं पर्टिकुलर ब्रांड के फिर नेक्स्ट आता है जब आपने ब्रांड के नेम ले लिए हैं लिस्ट बन गई है फिर आप स्क्रीनिंग करते हैं उन ब्रांड के नेम की ब्रांडिंग का क्या ऑब्जेक्टिव था मार्केटिंग के अकॉर्डिंग उन सारे फैक्टर्स को देखते हैं कि कौन सा ब्रांड का नेम आप रख सकते हैं उनको इजीली प्रनाउंस कर सकते हैं लीगली मिल सकता है किसी और का ब्रांड नेम वो नहीं होना चाहिए कुछ यूनिक होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप स्क्रीनिंग करते हैं कि कौन सा ब्रांड नेम आप रख सकते हैं नेक्स्ट आता है गैदरिंग मोर एक्सटेंसिव डिटेल ऑन इच ऑफ दी फाइनलाइज भी हमने नाम देखा है समझा है उसके लिए वो लीगल रिसर्च करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि वो रोंग मीनिंग कन्वे ना करें और हम उसके एक्सपेंसेस को देखते हैं कि पर्टिकुलर नेम को रखने में क्या क्या एक्सपेंसेस आ सकते हैं उन सारे क्राइटेरिया को देखते हैं नेक्स्ट आता है कंडक्टिंग कंज्यूमर रिसर्च कंज्यूमर से रिसर्च करवाते हैं कि कंफर्म कर सके मैनेजमेंट की पर्टिकुलर ब्रांड नेम का लोग क्या मीनिंग निकालते हैं उसको क्या समझते हैं किस प्रोडक्ट के फीचर्स को वो आपके कन्वे कर पा रहा है कि नहीं प्राइस प्रमोशन में आप उसको समझें आपके ब्रांड नेम से आपके पर्पस का पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो आप कंज्यूमर रिसर्च उस ब्रांड नेम को कंफर्म करवाते हैं नेक्स्ट आता है चॉइसेस क्राइटेरिया फॉर ब्रांड नेम की कौन कौन से क्राइटेरिया को आप देखते हैं जब भी आप ब्रांड नेम को चूज कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट आता है मेमोरेबल जो भी ब्रांड नेम है वो कस्टमर इजीली याद रख सके जब भी उनको जरूरत है रिमेंबर कर सके तो वो मेमोरेबल होना चाहिए दूसरा आता है शॉर्ट एंड सिंपल जो भी आपका ब्रांड नेम है वो शॉर्ट होना चाहिए सिंपल होना चाहिए ताकि लोग इजीली प्रनाउंस कर सके और, और ये आपको हेल्प करता है कि आप ज्यादा ऑडियंस तक जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक गेप डव निविया तो ये क्या हुआ वो शॉर्ट एंड सिंपल नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्टिव जो भी आपका ब्रांड का नेम है वो कॉम्पिटिशन से आपको इजिली डिफरेंट कर सकता है आपकी पावर को बताएं आप इजीली अपने ब्रांड को लोगों से या कॉम्पिटिटर से डिफरेंट कर सकते हैं नेक्स्ट आता है रिलेवेंट जो भी आपका ब्रांड का नेम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए कंपनी की क्या कोर वैल्यू उसको बताएं क्या रिलेवेंट है प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में वो उसको प्रेजेंट करें नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल जो भी आपका ब्रांड का नेम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि डिफरेंट मार्केटिंग मटेरियल में डिफरेंट चैनल्स में आप उसका यूज कर सकें नेक्स्ट आता है टाइमलेस जो भी ब्रांड का नेम है वो आप टेस्ट रेस्ट्रिक्टेड मतलब नहीं होना चाहिए का का होन्डाई गैप निव्या तो ये सब इसके एग्जांपल है लाइक और आप देख सकते हैं नाइकी एप्पल पुवा एल एनसोली तो ये सब क्या हुए ब्रांड नेम तो इस वीडियो में आपने पढ़ा ब्रांड नेम का क्या मीनिंग होता है इसके क्या फीचर्स होते हैं इसकी प्रोसेस और क्या क्राइटेरिया पे हम ब्रांड नेम को चूज करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए थैंक यू